आलु चॉप बा आलु प्याज चॉप किंबा प्याज चॉप रे रेसिपी बने परिबे। नमस्कार, नाइस एंड टेस्टी ओडिया कुकिंग चैनल को आपन समस्त को स्वागत। आज हमें आलु आउ प्याज रो एकदम गोटे नुआ आउ पूरा सहज रेसिपी आलु प्याज चॉप बनेबा। यह आपन पखाल सहित खांतु किंबा भात सहित खांतु बा चा सहित किंबा घर को गेस्ट आसीले संगे संगे किछि नुआ बनेबा को इच्छा हेले आपन एही आलु चॉप बा आलु प्याज चॉप किंबा प्याज चॉप रे रेसिपी बने परिबे। चलन त देखि नबा एही रेसिपी बनेबा पई प्रथमे हमे पिठो बनेइ नबा। तो सेइथि पई 100 ग्राम बेसन बा आधा कप बेसन नै जिबा। तापरे गोटे बड़ चामच चाउल गुंड किंबा आपण कॉर्नफ्लोर पाउडर भी नहीं पारे। तो मुझे कॉर्नफ्लोर पाउडर गोटे चामच नहीं स्वाद अनुजाई लुण गोटे चिमुटा जुआणी आ गोटे चिमुटा कला जीरा गोटे छोट चामच कसूरी मेथी गोटे चिमुटा हलदी गुंड पकईनवा। तापर पिठो बनवाई आमको ये जो थे बेसन नहीं से कप्रे देढ़ कप पा दरकार। तो देढ़ कप थंडा पा देक आम ये गोल गोटे घोल बनईने। तो देखो तो पिठोर मोटा एति रहा दरकार याठू पतला करे कि याठू मोटा कले भी टेस्ट आसबन। ये मुझ चामच बुड़ी देखा देखते पिठो एमती भाव लगवा दरकार एभली भाव आप पिठो बनईने। तो पिठो रेडी अच्छी एमें घोड़े कि 10 मिनट रेस्ट करने छाड़ने। तापर आमको दरकार तीनोटी मीडियम साइज़र प्याज। तो प्याजर चोपा चाची नवा प्याज को आम पतला पतला करी भाव काटिने। तो प्याज एमती पतला करे आम प्याजर ऊपर तल भाग जो अच्छी अलग करने। ये आप चॉप बनैले टेस्ट आसवन से छोट कर आग को रेसीपी में व्यवहार करवा। तापर आमको दरकार दुईट मीडियम सैज्र आलु आलु जिते आपे देखिए जमी पिजर सैज्र आलु ने। तो ये आम आलुर भी चोपा चाची नवा आलु को पतला पतला करे। तो आपण ये आलु काटला बेले पिज टे पतला करके आलु को काटे जमी तेल में छाणला बेले आलु सीझीज। तो देखु मुझे ये के पतला करमती भाव आप काटे आलु आ पिज को सैड रखा अगर गोटे पैन रे गोटे चामच तेल पकईने। तेल गरम होगला से गोटे मीडियम सैज्र पिज कि जो पिजर ऊपर आल भाग को रखी ताको छोट कर पकईने। तापर गोटे चामच कोरा अदा गोटे कंचा लंका को पकईने। कोरा अदा किंतु आपण निश्चय पकेबे। तापर पाउ चामच लंका गुंड अधा चामच मसला गुंड अधा चामच लुण देकी आम भल भाव मिसई ना। तो गोटे मिनट एमती मिसई नेला एबे से गोटे बड़ चामच कसूरी मेथी पकई पुणी थे गोटे 30 सेकेंड पर भाजी नवा। तापर से दुईट मीडियम सैज्र आलु को चकटिक पकईने। तो एबे आम आलु आउ ए मसला गैस को हाई फ्लेम रखिक भल भाव मिसेबा। हाई फ्लेम रे केवल गोटे मिनट मिसई नेला एबे आमे गैस को बंद करी नबा आउ एहा को आमे गोटे छोटो प्लेट को बाहर करी नबा। आउ हल्का थंडा हो सला हाथ रे एमिती छोटो छोटो बॉल साइज़ रो बनाई नबा। तो जो साइज़ रो आपण प्याज बा आलु काटी छंती जेमिती ता भितरे रहिबो ताको देखिके आमे बॉल बनाई नबा। तो ये देखु मु सब गुड़ा आलु को प्रथम एमती छोट छोट गोल बनई रेडी कर। तो एबे आमर 10-12 मिनट हो सारा एबे बेसन रही पिठोरे गोटे चिमुटा खाइबा सोडा पकईने आउ चामच साहय भल भाव थे मिसई ना। पिठो पूरा रेडी अच्छी एबे कौन करवा गोटे आलु ने आउर बनई रखि आलुर मसला रखने ताऊपर गोटे पिज रखने। एबे आलु आउ प्याज को एमती टिके चापी नबा जहाद्वारा आलु आउ प्याज मसला रे लागिजिबो। तो एमती बनीगला आलु आउ प्याज रो चॉप। तापर आमे प्याज आउ प्याज को सेम प्रोसेस रे बनेबा प्याज उपरे आलुर मसला रखिकी आउ गोटे प्याज कवर करिकी टिके एमती चापी नबा। तापर आपण आलु आउ आलु रे भी बनई पारे। तो आपण गोटे पतला आलु नेबे ताऊपर एही आलुर मसला रखिबा ताऊपर आउ गोटे आलु रखिनबा। तापर दुईट जाक आलु को एमती टिके चापी नबा बा प्रेस करना। तो एमती भाव आम आलु आलु किंबा प्याज प्याज किंबा आलु प्याज रो कॉम्बिनेशन देकी प्रथम रेडी करना। तापर प्याज आउ आलु को यह भाव पिठोरे बुड़ेबा एवं अन्य पटे
कढ़ी सफिशेंट तेल गरम होगापर गैस को मीडियम फ्लेम रखिकी आलु आ पियाज को पिठो रे बुड़ेकी आम तेल पकई ना तो ये आपड़ केवल ध्यान रखिए पिठो अधिक पतला करें गैस को मीडियम फ्लेम रखिकी एम गोटे मिनट कुक सर यह सब कुछ ओलटे ना तो एमती ओलट पलट करी आम मीडियम फ्लेम रे पूरा गोल्डन कलर होगा जाए भाजी नबा पियाज पियाज देखिए आप जो चॉप बनई सी तो जल्दी सीझी किंतु आलु व्यवहार कले आप मीडियम फ्लेम रे रखिकी ही टिके समय नहीं कि गोल्डन कलर होगा जाए भाजतु एठी मोर गोल्डन कलर हो सारा एवं आम यह तेल रु बाहर करवा सेम प्रोसेस रे मु सब गुड़ा आलु और पियाजर चॉप बनई नहीं आपण ही रेसिपी भात सहित खाइले भी बहुत स्वादिया लगे थरे आलु और पियाजर ये सिंपल रेसिपी निश्चय बनातु वीडियो पसंद आसले वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आम चैनल नाइस एंड टेस्टी को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।